ऐसा मानते कि इसको ना होली पर्वत बोलते हैं और यहाँ पर चढ़ना इज नॉट अलाउड। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से एकदम फिश टेल की तरह से नजर आता है। क्या जबरदस्त छत्ता बना हुआ है चमगादड़ों का। ये आ गया लड़का, आ गया, ये चूजा निकल गया। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और बड़ा लंबा दिन होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। शुभ बिहानी फ्रॉम पोखरा और अभी हम खड़े हैं सारंगकोट व्यू पॉइंट पे और आज हमारा डे 3 है नेपाल में। सुबह सुबह तड़के तड़क 4 बजे उठ के हम लोग व्यू पॉइंट पे आ गए हैं ताकि हमें अच्छा नज़ारा दिखे और अभी तो सूरज चाचा थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे निकलने में। यहाँ पर बेस्ट टाइम है, आप पहुँच जाओ अप्रॉक्सीमेटली 5:30-6 के अराउंड तो आपको अच्छी जगह मिल जाएगी बैठने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग निकल पड़े हैं सारंगकोट व्यू पॉइंट की तरफ जो कि पोखरा में बेस्ट व्यू पॉइंट है सनराइज देखने के लिए। और मेन व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेयर्स पर चढ़ना पड़ता है ताकि आप पूरा का पूरा पोखरा उस व्यू पॉइंट से देख पाए। और यहाँ की टिकट है 60 नेपाली रुपया और यह है पूरा का पूरा पोखरा जो आपको ऐसा नजर आएगा व्यू पॉइंट पे आके और वहां से सूरज दादा हमें दर्शन देने वाले हैं। तो भाई इनका वेट करेंगे अब थोड़ी देर। हमारा टाइम लैप्स रिकॉर्ड होता हुआ और अब धीरे धीरे सूरज दादा अपने रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं और आपको थोड़े थोड़े माउंटेन्स नज़र आने लग जाएंगे। जो ये पूरी की पूरी रेंज आपको सामने नज़र आ रही है ये है पूरी अन्नपूर्णा रेंज और जो ये वाला जो पर्वत है अभी और क्लियर नज़र आएगा जब सूरज दादा निकल आएंगे, इसे बोलते हैं फिश टेल और इसे चढ़ना नामुमकिन है। यहाँ से सूरज दादा निकलेंगे और ऐसा बोलते हैं कि माउंटेन के ऊपर जब उनकी किरण पड़ती है तो माउंटेन का कलर एकदम से सोने की तरह चमकने लगता है। तो अगर आपको माउंटेन कैप्चर करना है तो आप इधर टाइम लैप्स लगा सकते हैं, अगर सन कैप्चर करना है तो इधर हमारी तरह लगाना पड़ेगा। पर मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी देर में चेंज करके माउंटेन की तरफ ही ले आऊँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो हम कंबल ले आए थे अपना अपने होटल से अपने B&B से ताकि इस ठंड से बच सकें, बहुत ज़्यादा ठंडी है इधर। ये अनदर फेज थोड़ा थोड़ा निकल के आता हुआ और ये हमारी जो पीक्स हैं काफी क्लियर नजर आ रही हैं अब। और यही है अन्नपूर्णा रेंज वाली फिश टेल, इसको बोलते हैं माछा पुछरी। माछा पुछरी अरे बहुत 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 फेमस हिल है और यहाँ का ऐसा मानते हैं कि इसको ना होली पर्वत बोलते हैं और यहाँ पर चढ़ना इज नॉट अलाउड। देखो आप यहाँ पे सनराइज इतना फेमस है कि तड़के तड़क फुल ऑन भीड़ और कैमरामैन की यहाँ पे कतार लग गई है और ये और भी ज्यादा क्लियर व्यू मच पछारी और अन्नपूर्णा रेंज का। और ये सूरज दादा की थोड़ी थोड़ी किरणें पड़ रही हैं और आप देखिए एकदम टिप, देखिए आप इसकी फिश टेल की टिप क्या चमक रही है लाइट बल्ब की तरह, अमेजिंग। ये है आपके सामने साक्षात अन्नपूर्णा रेंज और ये फाइनली कंप्लीट सनराइज हो गया है और रेंज एकदम ऐसे सोने की तरह चमक रही है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था सुबह सुबह ठंड और ठंड के अंदर ये एक आइकॉनिक व्यू पॉइंट पे आना। और जो ये है मेन पॉइंट मच पुछारी जिसका मतलब मछली की पूंछ। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से ये एकदम फिश टेल की तरह से नज़र आता है, इस पॉइंट से तो ये सिर्फ एक उल्टा वी बनता है या ए बनता है पर जो पॉइंट है वहाँ से पूरा मछली की पूंछ की तरह नज़र आता है। तो एक आइकॉनिक व्यू पॉइंट नेपाल में हमारा कवर हो चुका है। और एक और चीज़ अभी हमारे भैया ने हमें बताई, भैया बोल रहे हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइगर फेस की शेप में नज़र आता है तो आप उसको इजीली विजुलाइज कर पाए। मैं एक ड्राइंग बना के डालता हूँ ताकि आप समझ पाए कि हाँ टाइगर लगता है, इसीलिए इसको एक होली माउंटेन भी माना जाता है और यहाँ पर चढ़ना अलाउड नहीं है या आप मान लो कोई आज तक चढ़ नहीं पाया है तो दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है और अभी आपको एक फैक्ट बताएंगे क्योंकि गगन अभी रिसर्च करने में लगी हुई है। हो गई तैयारी? ओके आ जाओ। नेपाल इज होम टू 8 हाईएस्ट माउंटेन्स जो कि वर्ल्ड में 14 में से 8 तो सिर्फ नेपाल में ही है। मेरे पीछे जो फिश टेल देख रहे हैं इसकी लगभग हाइट जो है वो 7000 है और उसके पीछे ही है अन्नपूर्णा और उसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 8000 meters है। और आप ऐसे अल्ट्रा फ्लाइट में भी आके इन पीक्स का मजा ले सकते हैं, इनके ऊपर से उड़ते हुए जा सकते हैं। इनकी कॉस्ट होती है लगभग 12 से 15 हजार नेपाली रुपया पर फ्लाइट।
यहाँ पर पूरा पनोरमिक माउंटेन व्यू पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कौन सा माउंटेन कहाँ है और कितने मीटर की हाइट पर है। तो सनराइज देखने के लिए यहाँ पर सारंगकोट करके जगह है जहाँ आपको आना होता है। दो व्यू पॉइंट है, एक थोड़ा नीचे वाला है, वहाँ आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती, लेकिन जिस व्यू पॉइंट पर हम आए हैं थोड़ा ऊपर आके हैं, यहाँ पर आपको लगभग 10 मिनट सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअल सनराइज़ देखना है तो वो जो पीछे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है वहाँ जाके आप आराम से सनराइज़ देख सकते हैं। वहाँ पर जाने के लिए फिर से थोड़ी सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ती हैं। तो हम ऊपर देख रहे थे अभी सनराइज़, और जो पूरी अन्नपूर्णा रेंज है वो ऊपर से बहुत क्लियर नज़र आती है, लेकिन इस व्यू पॉइंट से आपको नज़र आएगी फेवा लेक जो आपको हमने कल दिखाई थी, ये बिल्कुल नीचे। तो भाई अब सारंगकोट में बहुत टाइम हो गया है हमारा स्पेंड, अब हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। सारंगकोट व्यू पॉइंट से हम चल दिए हैं आगे की तरफ, और ये आ गई हमारी गाड़ी और हम जाएंगे अगले पॉइंट की तरफ। भैया कहाँ जा रहे हैं अब हम? विंध्यवासिनी। और अब हम पहुंच चुके हैं विंध्यवासिनी मंदिर, तो चलिए आपको दुर्गा माता के एक और रूप के दर्शन कराते हैं। तो मंदिर परिसर में बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक माहौल है, यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा है, और विंध्यवासिनी जी जो है ये माता दुर्गा माँ का एक रूप है। विंध्यवासिनी माता जो है वो देवकी और वासुदेव की 8वीं रिप्लेसमेंट संतान है। चमेरे बोले की चमकादड़, बोले की बैट। तो अब हमारा थर्ड स्टॉप जो है वो है बैट केव, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर आए हैं, देखते हैं अंदर कितनी टिकट है और कैसा एक्सपीरियंस है, चले। सो ये है पूरी लिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट 150, हम लोग इंडियन या सार के तो हमारा है 80 रुपया। यही है वो चमकादड़ जो अंदर दिखेगा। ये ले ली हमने टिकटे और ये हम जा रहे हैं, और ये सीढ़ी काफी नीचे जा रही। बाबा भैया ने लिए टॉर्च भी साथ में, उन्होंने बोला कि अंधेरा होता है अंदर, जरूरत पड़ेगी। ने भी बताया कि भाई जो ये रास्ता है ये हमारी एग्जिट होगी, आप देख लो कितनी संकरी सी है, तो बड़ा मजा आने वाला है। ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल ही छोटी सी है, बहुत मजा आएगा। तो ये चल दिए हैं हम लोग बैट केव के अंदर। ये अंधेरा इतना है तो भैया टॉर्च लेके जा रहे हैं हमारे आगे आगे ताकि हमें सब दिखता रहे। और ये आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हैं चमगादड़ भाई साहब, क्या जबरदस्त चिपक रखे हैं। ये देखिए भाई साहब चमगादड़ ही चमगादड़, क्या जबरदस्त छत्ता बना हुआ है चमगादड़ों का। पर अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, यहाँ विजिबिलिटी काफी कम है और चमगादड़ एकदम सर के ऊपर आ गए हैं। और ये चल दी है सिल्वी, ढलान गुफा ही गुफा है, गुफा ही गुफा है। और हमने लिया ये एडवेंचरस रास्ता, अब इस एडवेंचरस रास्ते से हम लोग बाहर जा रहे हैं। नॉर्मल रास्ते से तो पूरी दुनिया बाहर जाती है, भैया ने कहा था तुम थोड़ा एडवेंचर करते हुए जाओ। हाँ इधर डालने का, हाँ फिर भी अच्छा, हाँ अब ये इतनी पतली सीगड़ी सी होल है और इसमें से निकलना है भाई, मैं तो निकल आई, सारे कपड़े चीचड़े से हो गए। अब बारी है अरुण की, ये लड़के का चेहरा नजर आ गया, आराम से बहुत फिसलन है। ये भी जूते यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं यहाँ नहीं, नीचे ही रखना पड़ेगा। आप निकलोगे? इधर ही रखूं? भैया ने जहाँ बताया वो सही बता रहे हैं बिल्कुल। ये आ गया लड़का, आ गया ये चूजा, निकल गया ये चूजा, निकला अंडे से बाहर।
मैं हाथ पकड़ू थोड़ी बैक बॉडी नीचे ये भाई ये तो अलग ही एडवेंचर है माता रानी के दर्शन करे अब छोटा सा ट्रैक भी कर लिया हमने तू ही डाउन करो भाई अपनी आगे भैया निकल गया आगे 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 लड़का बाहर है आ गया कैसे लगा आगे भैया करी लाइट तो मारो तो भाई चमेरे गुफा में से मजे लेके निकल गए फुल ऑन एडवेंचर हो गया नहीं सिलरी अरे यार बहुत मजा आया मजेदार था एकदम बैग तो चलो अपनी जगह मगर जो उसकी एग्जिट थी ना वो इंटरेस्टिंग थी सुपर्ब इसकी एंट्री टिकट थी 80 नेपाली रुपया पर पर्सन आप आ सकते हैं अगर आना चाहें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है महेंद्र केव और जो अभी हम बैट वाला केव गए थे उससे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है अगर आप इधर भी टिकट है अगर आप साक टूरिस्ट हैं तो टिकट इज 80 रुपये 80 रुपीज नेपाली रुपया और अगर आप अदर कंट्री से आते हैं तो इसकी टिकट है 150 हाँ जी 150 है तो अभी हम फिलहाल अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी एक केव तो देख ही लिया तो दूसरे का अभी मन नहीं है जाने का और अभी भैया बता रहे थे कि इसके अंदर जो है छोटे से गणेश जी का मंदिर है तो अगर आप आना चाहें तो आप इधर पॉइंट ये कवर कर सकते हैं नहीं आना चाहे तो हमारी तरह आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और ये हम आ गए हैं अब सेती रिवर गॉर्ज देखने में तो लग रहा है कि कुछ सुंदर सा डैम टाइप कुछ बना रखा है चलो थोड़े से फोटोज और वीडियोज लिए जाए ये ही जो रिवर है इसको बोलते हैं सेती रिवर और ये नेपाल की गंगा मानी जाती है ये डायरेक्टली हिमालय से आ रही है सो काफी ठंडा पानी है एक्चुअली अभी बोल रहे हैं कि जब गर्मियों में अगर आप आएंगे तो ये जो आपको पुल दिख रहा है या पूरा पुल भी क्रॉस कर सकते हैं बट स्टिल अभी पानी का फ्लो काफी ज्यादा है तो इसलिए हम लोग तो नहीं जा रहे हैं यहाँ पर इनफैक्ट ठंड भी बहुत है और आप यहाँ पर आए हाथ मुंह धोए इट्स लाइक गंगा तो ये होली रिवर है हाथ मुंह धोए और लोकल एड का एक और मानना है कि अगर आप इस नदी में सेती नदी में अगर आप स्नान करते हैं या नहाते हैं या फेस पे लगाते हैं तो आप गोरे हो जाते हैं तो एक ये भी लॉजिक है इसका लॉजिक शायद यही होगा कि ये मिनरल रिच वाटर है तो इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सेती रिवर भी आपका एक स्पॉट हो सकता है सेती गर्ज की जो कॉस्ट है जो अभी टनल अभी आपको दिखा रहे थे वो है 60 नेपाली रुपया और अब हम जा रहे हैं भगवान शंकर जी के इस वाले मंदिर तो सती रिवर के बाद हम लोग आ गए हैं पुमदी कोट जो भगवान शंकर की बड़ी सुंदर सी मूर्ति हम आपको दिखा रहे थे वो यहीं पर है तो अब हम वहाँ जाएंगे और उस मूर्ति के दर्शन करेंगे रास्ता थोड़ा सा स्टीप था पहले पतली पतली अच्छी सड़क थी फिर थोड़ी देर बाद तो रोड एकदम ही खराब हो गया टूटा फूटा लास्ट के लगभग 2-3 किलोमीटर टूटा फूटा सही रोड था ओवरऑल भी थोड़ा डिफिकल्ट ड्राइव है इट्स नॉट दैट इजी पर है बहुत सुंदर मज़ेदार एकदम अब दिखाया असली टाइगर ओ भैया दिख गया अब दिखा है मेरे को हाँ अब अरे अब दिखा है मेरे को सुबह से टाइगर ढूंढ रही थी मैं भैया ने सुबह से परेशान हो गया मेरे को टाइगर दिखाते अब जाके दिखा है मुझे वो शिव जी की मूर्ति जो आपको नीचे फेवा लेक से भी दिखेगी और काफी बड़ी मूर्ति है ये पहले यहाँ पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर होता था बट उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है एक बड़ी मूर्ति में जिसकी अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है तो यहाँ पर आप आए और काफी सुकून मिलता है यहाँ से आपको हिमालयन रेंज और अन्नपूर्णा रेंज जहाँ सुबह भी गए थे वो भी आपको क्लियरली दिखती है सो ये एक मस्ट विजिट पॉइंट है अगर आप पोखरा आए हैं तो और आपको वो कहानी तो पता ही होगी कि जब शिव जी ने कहा था अपने पुत्र कार्तिकेयन और गणेश जी को कि पृथ्वी के चक्कर लगा के आए तो कार्तिकेयन जी तो निकल गए थे पृथ्वी के चक्कर लगाने मगर गणेश जी जो थे वो अपने माता पिता के चक्कर लगा रहे थे तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे मैंने पहली बार ये देखा है गणेश जी की जो मूर्ति है वो शिव जी के आसपास घूम रही है तो वो उसी कहानी की डिपिक्शन यहाँ पर कर रखी है और अभी अभी हमें भैया ने बताया है कि पोखरा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो कि 1 जनवरी से ऑपरेशनल हो जाएगा तो अगर आप आना चाहते हैं डायरेक्ट पोखरा इंटरनेशनली भी आप आराम से वहां के लैंड कर सकते हैं तो अब नेपाल में हो गए टोटल 2 एयरपोर्ट एक है काठमांडू और एक हो गया जाएगा पोखरा अगले साल से अगले साल से मतलब 2023 से
सो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पीस पगोड़ा, और बहुत ही सुंदर जगह लोकेटेड है, बीच में है वाइट कलर की बिल्डिंग और आसपास है ये फेवा लेक और हमारी अन्नपूर्णा का पूरा रेंज है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको पीस पगोड़ा के बारे में, जैसे कि ये स्थापित हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इसलिए इसका नाम दिया गया है पीस पगोड़ा, ताकि शांति बनाए रखे पूरी दुनिया में। और पूरे वर्ल्ड में अराउंड 80 या 82 पगोड़ा है, और उसमें से दो पगोड़ा जो है वो नेपाल में है, एक है लुम्बिनी में जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और दूसरा है पोखरा में। वैसे यूजुअली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, दो रीज़न से, कि इकोनॉमिकल होता है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है। लेकिन जब हम पोखरा आए हैं तो हमारे पास समय की बहुत कमी थी और बहुत सारी जगह थी जो घूमनी थी, और माउंटेन में आपको पता है कि कनेक्टिविटी का इशू रहता है, अकोमोडेशन का इशू रहता है, इसीलिए हमने कैब कर ली है। और जो भैया हैं ना, अभी तक उनके साथ घूम फिर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऑनेस्ट से इंसान है, हमें बिल्कुल सही जगह ला के ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे कि बाकी कार वाले के हम देख रहे थे कि 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, बोल रहे कि आप क्लाइंब करके चले जाओ माउंटेन, यहाँ जाना है, मंदिर का रास्ता ये है। तो अपनी पेट्रोल बचा रहे हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग बचा रहे हैं, लेकिन ट्रैवलर को परेशान कर रहे हैं, मतलब कष्ट हो जाता है इसमें, आपको बड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो ये भैया हैं बहुत सीधे सच्चे से लग रहे हैं, और हमने प्राइस पता किया था बाकी लोगों से भी, किसी ने हमें बताया 7,000 नेपाली रुपया, किसी ने बताया 8,000, कोई तो 10,000 भी मांग रहा था, लेकिन भैया 5,500 रुपये में मान गए, जबकि नेपाल में कार भी बहुत महंगी है, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, उस हिसाब से काफ़ी जेन्युइन रेट लग रहे हैं। अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो 3200-3300 के करीब आएगा। तो इन भैया का फ़ोन नंबर भी हम आपके लिए शेयर कर देंगे, ऑफकोर्स आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, अगर आप नेपाल आते हैं, आप पोखरा आते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत सीधे सच्चे से इंसान है, 50+ एज होगी, तो अच्छा लग रहा है उनके साथ घूम के, ऑनेस्ट से बंदे हैं बड़े, तो थोड़ा उनका बिजनेस बढ़ाओ यार, अच्छे बंदे, ऑनेस्ट बंदे। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अभी तक हमारा ये पोखरा व्लॉग देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर दो। अभी आपको हम दिखाते हैं शांति स्तूपा यानी पीस पगोडा, चलिए फिर। पीस पगोड़ा में आके सीरियसली मज़ा आ गया, और वहाँ पर ना एक अच्छी चीज़ सीखी हमने, और वहाँ पर रूल था कि आपको बोलना अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल शांति थी ऊपर, तो एक ऐसा लगा कि यार जब सारी दुनिया से अननेसेसरी बोलना बंद कर देगी तो कितना ही अच्छा रहेगा। अपने मन की पीस के बाद अब पेट की पीस की बारी है, तो हम पहुँच गए हैं नेपाली खाना खाने के लिए। ये सब्जी कौन सी है भैया? गुंद्रुक, नेपाली गुंद्रुक। ये गुंद्रुक है, मिक्स वेज है, ये चटनी, ये साग, ये साग है, और ये चावल है, और ये दाल है, ये आलू, और ये पापड़ है, जो ये मूली है, ओ तो ये रही हमारी थाली, और साथ में पापड़। सुबह से थक गए थे, कुछ भी नहीं खाया था, और अब हमें मिला है नेपाली खाना, और बहुत ही बढ़िया है, सिंपल, ज़्यादा मसाले नहीं है, और बहुत टेस्टी है। जस्ट नेपाली खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं गुप्तेश्वर महादेव, तो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा वो है गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर, और अब चल के वहीं पर दर्शन करेंगे। गुप्तेश्वर महादेव गुफा नेपाल की सबसे लंबी गुफा मानी जाती है, जिसकी लंबाई है लगभग 3 किलोमीटर। खाना खाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था महादेव मंदिर, और अभी हम महादेव मंदिर की केव में है, काफी अच्छा मंदिर था। आपको थोड़ा सा अंदर से स्टेज नीचे करनी है, आपको थोड़ी सी स्टेज नीचे करनी होगी, और आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 100 रुपीज पर पर्सन, मतलब नेपाली रुपया पर पर्सन। मंदिर परिसर में फोटो अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर निकल के फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है देवीज वाटरफॉल। यहाँ पर आप आने के दो तरीके हैं, तो आप इसकी मेन एंट्री से जा सकते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा टिकट है 60 रुपीज, नेपाली रुपयाज फॉर इंडियंस। और जो हम आए हैं गुप्तेश्वर महादेव गुफा के अंदर से। आप गुफा के अंदर जब उतरते चले जाएंगे सीढ़ियों से, तो अंदर ही अंदर 200-250 मीटर चल के आएंगे, तो आपको रास्ते नजर आ जाएगा, और आपको एक्चुअल जो वाटरफॉल है देवीज वाटरफॉल वो यहाँ से नजर आएगा। तो बहुत ही मिस्टीरियस सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देवीज वाटरफॉल की जो एक कहानी है कि इसका नाम देवीज वाटरफॉल क्यों पड़ा, वो गगन आपको बताएगी बाहर जाके, क्योंकि यहाँ लाइट उतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो डेवीज वाटरफॉल का ओरिजिनल नेम या नेपाली नेम है पताले छांगू। पताले मीन्स अंडरग्राउंड और छांगू मीन्स वाटरफॉल।
मगर इसका नाम आजकल जो पॉपुलर है वो है डेवीज वाटरफॉल। रीजन ये है क्योंकि 1961 में डेवी नाम की एक फॉरनर थी, वो ऊपर वाटरफॉल पे वो स्नान कर रही थी, शी वॉज टेकिंग अ बाथ, बट कहीं उनका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे वाटरफॉल में गिर गया और उनकी डेथ हो गई। तो इसीलिए अब इस वाटरफॉल का नाम हो गया है डेवीज वाटरफॉल। जैसे ही आप गुप्तेश्वर महादेव गुफा से बाहर निकलेंगे, रोड के ठीक दूसरी तरफ ये ऑरेंज कलर में आपको जो नजर आ रहा है यही है देवीज फॉल या पताले छांगो। तो अभी हम लोग आ गए हैं फेवा लेक के पास और यहाँ पर एक वाराही मंदिर है जो लेक के बिल्कुल बीचों बीच है। तो अभी हम शेयर्ड बोट के बारे में पता कर रहे हैं और फिर शेयर्ड बोट में जाके उस मंदिर में दर्शन करेंगे। चलो आपको फेवा लेक भी दिखाते हैं और मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। ये जो मंदिर आपको बीचों बीच नजर आ रहा है ये है वाराही टेम्पल और अभी हम जुगाड़ बढ़ाने में लगे हैं कि जाएं कैसे। और ऐसे लोग बोट में बैठते हैं, बोट से मंदिर के दर्शन करते हैं और वापस इसी बोट में यहीं आ जाते हैं। ये सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे लाइफ जैकेट मिलती है 10 रुपीज ईच, सिल भी लगी हुई है लेने। और ये आ गई 2 लाइफ जैकेट। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ताल बिराही टेम्पल और वो फेवा लेक के बिल्कुल बीचों बीच है। वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बोट से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर्ड बोट लेंगे। शेयर्ड बोट का जो चार्जेस है वो है 105 नेपाली रुपया फॉर टूरिस्ट और अगर आप नेपाली हैं तो आपका 60 रुपये या 70 रुपये है, प्लस आपको 10 रुपये की लाइफ जैकेट पहननी है। तो अभी हमने ये सब ले लिया और उसके लिए कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। भैया ने बोला आप वहाँ पर खड़े हो जाओ, किसी भी बोट वाले को बोलना 105 रुपये वो लेगा एक बंदे का और आपको बिठा लेगा और आप चले जाना। ज़रूरी नहीं है कि उसी बोट में आप वापस आएँ, वापसी तो आप किसी भी बोट में आ सकते हैं क्योंकि वो चार्जेस राउंड ट्रिप का लेते हैं। और ये हमने ये वाली बोट में बैठ रहे हैं और ये मैडम गई। और ये आ गया आपका वाराही टेम्पल। तो ताल बिराही मंदिर के बारे में थोड़ी सी जो ज्ञान मुझे है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो माता है ये लेक की देवी है, तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ की माता जो है वो पूरे लेक की, पूरे पोखरा की रक्षा कर रही है। अब मैं आपको इकोनॉमिकल वे बता देती हूँ फेवा लेक में राइड करने का। अगर एक इसका दूसरा पॉइंट है, वहाँ से शेयर्ड बोट चलती है जो 105 रुपये लेती है, जैसा अभी आपको बताया था हमने, वो आपको एक पॉइंट से मंदिर तक लेकर जाएंगी। मंदिर में फिर आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम स्पेंड करना है आप वो स्पेंड कर सकते हैं। फिर वापसी में आप कोई भी शेड बोट में बैठ सकते हैं और फिर वो आपको वहीं पर ही ड्रॉप कर देगा। तो ये है इकोनॉमिकल वे फेवा लेक में राइड करने का प्लस मंदिर के दर्शन करने का। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापसी, हो गया हमारा टाइम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हमने यहाँ पर स्पेंड किए। अब हम वापस जाएंगे, भैया हमारा वेट कर रहे होंगे और फिर भैया हमें वहीं पर ही हमारे BNB में ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर शाम को फिर निकलेंगे हम पोखरा की गलियों में मोमोज खाने। कुल प्रसाद भैया को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। बाय बाय भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत दिल से घुमाया और हमें सच में बहुत अच्छा लगा। तो अब 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं मार्केट और हमें नेपाली खाना इतना टेस्टी लगा कि हमने फिर से ऑर्डर कर लिया है नेपाली खाना। और हमने अभी अन्नपूर्णा ये भांचा से खाना खा लिया है, हमने ली थी वेज थाली और काफ़ी टेस्टी थी, बिल्कुल लाइट लाइट से मसाले थे। तो वेज थाली का जो प्राइस था वो था 125 रुपये और हमने ली थी एक मिल्क टी जो थी 40 रुपये की। अच्छा खाना था, लाइट सा था, अगर आपको वेज थाली खानी है तो आप यहाँ पर खा सकते हैं और इतना महंगा नहीं है, इकोनॉमिकल है। इसके जो टाइमिंग्स है वो है 10 AM to 10 PM, ये आपको इजीली मिल जाएगी जब आप लेक साइड व्यू की तरफ जा रहे होगे तो बिल्कुल चौक के पास में है दुकान। तो अभी हमारी जो स्ट्रॉलिंग थी वो हो गई है खत्म इन पोखरा लेक साइड और अब हम जा रहे हैं वापस अपने BNB की ओर। रात का समय हो गया है 9:30 और आज का जो तीसरा दिन है हमारा यहाँ समाप्त होता है और अब हमने कल वापस काठमांडू जाने के लिए कर ली है फ्लाइट बुक करी है हमने, जिसने टाइम है सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट लगेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो टेक ऑफ लेगा और लैंड और हम ऐसे सेटल होंगे और फिर वो लैंड कर जाएगा। तो एज पर जो मेरे को डिटेल्स दिख रही थी उसमें सिर्फ 25 मिनट का टाइम था, बाकी देखते हैं कल कितना टाइम हमें लगता है एग्जैक्ट काठमांडू पहुंचने में। और हमारी जो फ्लाइट है वो है 7:15 की, करेक्ट। तो हमारा थॉट ये था कि यार काठमांडू अगर कल बस से जाएंगे तो कल का पूरा दिन निकल जाएगा बर्बाद और कल हमें बहुत सुंदर सुंदर अभी स्क्वायर्स और है वहाँ पर, दरबार स्क्वायर्स और है
जिनका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता है, सिल्वी को पता है, भक्तापुर स्क्वायर और एक और भी है ना कोई, भक्तापुर दरबार स्क्वायर और एक पतन करके है, बट अगर भक्तापुर जाएंगे तो फिर पतन नहीं जाएंगे शायद ऐसे। हाँ, तो वो स्क्वायर जाने हैं और एक और बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है स्वामी स्वयंभू, हाँ सॉरी हाँ स्वयंभू नाथ मंदिर, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, वहाँ जाना है और फिर थोड़ा सा थामिल घूमना है, कुछ सुविनियर लेने हैं, फ्रिज मैग्नेट टाइप। कल का दिन काठमांडू का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो लास्ट डे है हमारा नेपाल में, और इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया भी हमारा इस साल का 2022 का वो लास्ट कंट्री का लास्ट दिन होगा। करेक्ट, तो अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है नेपाल में, तो आपको भी मजा आ रहा होगा, जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज वजी वॉन्डर साइनिंग ऑफ, और कल आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि फ्लाइट का हम आपको एक्सपीरियंस पूरा शेयर करेंगे, लोकल फ्लाइट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चलो जी, बाय बाय बाय।